work from home online classes from saint angels public school parkwood students we have started the chapter the interview and we have completed its first part students as we know an interview is a sort of screening interaction and introspection in the present day society people are chased continuously for the interview in form, func form, function, method, and merit, people differ in their viewpoint, but it is the highest form of truth. it is an art in practice. so, student, in this part, we are also going to read about the different viewpoint of the different writer about the interview. what they, uh, what they think about the interview. all are the renowned personalities.

निंदनीय चीज़ बताते हैं बहुत ही घटिया एक चीज़ बताते हुए वो कन, न, कर बात इंटरव्यूअर के बारे में कहते हैं हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर फोर्टीन अक्टूबर एटीन नाइन्टी टू देर देयर डे वॉज रेग्ड बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन और उनकी पत्नी कैरोलिन उन्होंने अपनी डायरी में फोर्टीन अक्टूबर एटीन नाइन्टी टू में लिखा कि उनका जो दिन था रेग्ड रेगड मीनस रिड बर्बाद कर दिया दो रिपोर्टर्स ने जो कि कहाँ से आए थे बॉस्टन से आए थे शी रिपोर्ट्स हर हजबेंड एंड एंग टू द रिपोर्टर्स और उन्होंने अपने हस्बैंड को ये रिपोर्ट करते हुए कहा कि वो रिपोर्टर्स को बोल दें वाई डू आई रिफ्यूज टू इंटरव्यूड कि मैं इंटरव्यू देने से इनकार क्यों करता हूँ बिकॉज इट इज़ इमोरल क्योंकि ये कैसा है इमोरल है इमोरल मीन्स अगेंस्ट मॉरल्टी अनैतिक है ये बिल्कुल इट इज़ अ क्राइम ये एक क्या है ऑफेंस है एक अपराध है जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माय पर्सन एज एन असॉल्ट और ये बिल्कुल एक ऐसा ही असॉल्ट एक ऐसा ही अपराध है जिसके लिए पनिशमेंट दिया जाना चाहिए एंड जस्ट एज मच मैरिट पनिशमेंट मीन्स इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए इट इज़ cowardly and vile, cowardly, cowardly you know means timidly एक डरपोक तरीका है किसी दूसरे पर हमला करने का vile means mean गंदा गिरा हुआ एक वे है ये no respectable man would ask it, much less give it कितना तो कोई भी respectable कोई भी जो renowned person होगा वो कभी भी ना interview देना चाहेगा और ना ही interview लेना चाहेगा Students mark here the difficult word first of all. Expressed. Expressed means stated. Then condemnatory means considerable. Means Then attitude. Attitude means behavior. Ragged means ruined. Assault. Where is the word assault? Yes. Assault means attack, cowardly, timidly, then while, while means mean and immoral. One more word is here immoral. Immoral means against morality. Crime, you know, offense. Now, मैरिट्स इज ऑल्सो देयर मैरिट्स मीन डिजर्व डिजर्व करता है वो पनिशमेंट के लिए नेक्स्ट पार्ट येट किपलिंग हिमसेल्फ पर सच एज एन एसॉल्ट ऑन ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर कहते हैं कि कोई भी रिनाउंड पर्सन ना तो इंटरव्यू देना चाहेगा ना लेना चाहेगा लेकिन फिर भी किपलिंग ने इसी तरीके का एक मतलब आरोप लगाया मार्क ट्वेन पे अभी कुछ सालों पहले ही पटरेबड मीन्स कमिट अ ब्लंडर दोष लगाना किसी पर आरोप लगाना एच जी वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑडिल और एच जी वेल्स ने अपने थॉट्स बताते हुए इंटरव्यू के लिए 1894 में कहा कि ये कैसा है एक और डील है ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है मुश्किल है ये एक आपदा की तरह है ये बट वॉज़ अ फेयरली फ्रीकवेंट इंटरव्यू ही लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे इंटरव्यू ही बने रहे एंड फोर्टी ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल इंटरव्यूइंग जोजफ़ स्टॉलिन और चालीस साल बाद उन उनको जोजफ स्टॉलिन का इंटरव्यू करते हुए देखा गया शैल बिलो हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स नेवर द लैस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज आर बींग लाइक थम प्रिंट ऑन हिज विड हुज कंसेंटेड कंसेंटेड मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीड स्वीकार करना एक्सेप्ट करना टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन मतलब कई ओकेजेंस पर उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं एक्सेप्ट किया है उन्होंने इस चीज को नेवर द लैस ऑन सेव नेवर दिस्क्राइब्ड एक बार उन्होंने कहा इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थम प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप प्रिंट मीन्स नेचुरल प्रिंट ऑफ थम एकदम थम प्रिंट होना हमारा विंड पाइप मीन्स पाइप थ्रू विच वी ब्रीथ मतलब सांस की नली पर एक तरीके से मेरे अंगूठे का निशान मीन्स एक तरीके से ये गला घोड़ देने जैसी चीज है जो इंटरव्यू है Students, mark here the difficult word. Perpetrated means commit a blunder. Then another word is consented. Consented means agreed. Thumb print. Natural print of thumb. Windpipe. Pipe through which we breathe. Now, next part of the chapter. Yet, despite the drawback of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. Writer said that there is no doubt. हाला कि हालांकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं ड्रॉबैक्स मीन्स डीमेरिट्स शॉर्टकमिंग्स कमियाँ होना किसी चीज में लेकिन उसके बाद भी इंटरव्यू जो है सुप्रीम सुप्रीमली सुप्रीमली मीन्स हाइस्ट एक सबसे ऊंचा सर्विसेबल सर्विसेबल मीन्स दैट कैन बी सर्व्ड मतलब जो ए, काम में लिया जा सकता है जिसका यूज किया जा सकता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम मीन्स माध्यम बन जाना किसी चीज का मीन्स बन जाना एंड कम्युनिकेशन मीन्स एक्ट ऑफ इंफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन पहुँचाना तो कितने भी ड्रॉबैक्स हो लेकिन इंटरव्यू जो है आज भी सोसाइटी के अंदर आज की प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का माध्यम बना हुआ है दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ

इंटरव्यूज डेनिस ब्रैन हैज रिटन डेनिस ब्रैन हैज रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड अ पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इंफ्लुएंस डेनिस ब्रैंड लिखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूमेंट रिचेज मतलब कि सारी चीज़ें जो है हमें एक ही पल के अंदर एक आदमी दूसरे से सवाल करता है और उसी में ही हमें सारे जवाब मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इंटरव्यू होल्ड और यही वजह है कि इंटरव्यू के अंदर इतनी पावर है ये होल्ड करता है अनप्रेसिडेंटेड अनप्रेसिडेंटेड मतलब दैट नेवर हैपन्ड बिफोर इन एन एग्जाम्पलरी वे मतलब ऐसी चीज़ जो अभी पहले नहीं हुई जिसको एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा सके तो अनप्रेसिडेंटेड पावर है इसके अंदर और इंफ्लुएंस मीन्स प्रभावित करने की पावर होना स्टूडेंट्स कम टू द दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव रेड मैनी नेम ऑफ द राइटर्स विच हैव गिवन देयर व्यूज अबाउट द इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेड अबाउट रुडियार्ड किपलिंग फर्स्ट नेम इज गिवन रुडियर्ड केपलिंग एंड मार्क नंबर टू आप देखेंगे चैप्टर में जहां केपलिंग आया है वहाँ पर नंबर टू लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन दीज फोर अलग अलग राइटर्स के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमने ऊपर रीड किए हैं रुडियार केपलिंग इज अ प्रोफेलिक राइटर हु वॉज नोन एज द पोएट ऑफ कॉमन शोल्जर किपलिंग जंगल बुक विच इज अस्टोरी ऑफ किम्बॉल और ओहारा एंड हिज एडवेंचर एडवेंचर्स इन द हिमालय इज कंसिडर्ड एज चिल्ड्रंस ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स ये इनकी रचना इनकी क्रिएशंस हैं ये जंगल बुक होगी इनकी और ये द ओवर द वर्ल्ड ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स इनकी रही है देन वी रेड अबाउट ऑन द थर्ड नेम इज़ एच जी वेल्स एच जी वेल्स इज़ एन इंग्लिश नावलिस्ट जर्नलिस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑफ साइंस फिक्शन साइंस फिक्शन के वर्क के लिए भी इनको जाना जाता है और मल्टी टैलेंटेड ये हैं एच जी वेल्स जर्नलिस्ट भी हैं नॉवलिस्ट भी हैं साइक्लॉजिस्ट भी हैं और उसके साथ ही ये इतिहासकार भी हैं वेल्स बेस्ट नोन बुक द टाइम मशीन एंड द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड ये इनकी मेन बुक्स हैं जो कि बहुत ज्यादा बेस्ट सेलर रही हैं देन नंबर फोर्थ वी रेड जोजफ स्टॉर अ ग्रेट रशियन रेवोल्यूशनरी एंड एन एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर ये रहे हैं फिफ्थ शा, शाल बिलो अ प्ले राइट एज वेल एज अ नावलिस्ट शालबिलो कौन थे एक प्ले राइटर थे और प्लस नॉवलिस्ट भी बिलोज वर्क वर इन्फ्लुएंस्ड वाइडली बाय वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड से रिलेटेड इनकी जो राइटिंग्स रही हैं वो रही हैं क्योंकि उसे ये बहुत इफेक्टेड हुए थे अमंग हिज मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स आर ऑगी मार्च एंड मोजेस ही पब्लिस ही पब्लिस शॉर्ट स्टोरीज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ये दिश ही वॉन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स Students, these are the very prominent writers in English literature. So, I have given you the detail, explain you the detail. Now, we will start its next part in our next class. Mark here the chapter and mark here the difficult word first of all, unprecedented. Now, mark here the chapter. Thank you. Have a nice day.